ठंडों में हमें मोटा अनाज खाना चाहिए। आज हम मक्का के आटे की आलू की पूड़ी बनाएंगे। मक्का हमारे शरीर को गर्म रखता है और मक्का के आटे की आलू की पूड़ी इस तरीके से आसानी से बन जाएंगी कि विश्वास भी नहीं होगा कि ये इतनी आसानी से बन जाती हैं। नमस्कार, मैं प्रीति प्रीति सैफ्रॉन में आपका स्वागत करती हूँ। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम देखते हैं कि मक्का के आटे से आलू की पूड़ी कैसे बनाते हैं। मक्का आलू की पूड़ी बनाने के लिए हम एक परात लेंगे, उसमें हम डो तैयार करेंगे। अब हम मक्के का आटा लेंगे। ये मैंने 2 कटोरी मक्के का आटा लिया है और इसमें हम 2 कटोरी गेहूं का आटा मिला देंगे। जिस कटोरी से हमने मक्का का आटा लिया था उसी कटोरी से हमने गेहूं का आटा लिया है। अब हम 4 मीडियम साइज के आलू लेंगे। इनको हम एक ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे आलूओं को इसमें ग्रेट कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, कुछ हरे धनी की पत्ती, इनको बारीक काट लिया, इनको भी डाल देंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, इससे हमारी पूरी खस्ता बनके तैयार होंगी। अब हम पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा लगाएंगे, जैसे हम नॉर्मली पूड़ियों का लगाते हैं। और ये मैंने हल्का गर्म पानी लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम सख्त डो तैयार कर लेंगे। हमने सख्त डो तैयार कर लिया है। अब डो को हम 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। डो को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम हाथों की सहायता से डो को चिकना कर लेंगे इस तरह से। अब हम पूड़ी बनाएंगे। अब हम डो में से लोई बनाएंगे। आपको पूड़ी जितनी भी बड़ी रखनी हो उसी हिसाब से आप लोई को ले लें। अब हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे पटले पे और फिर इसको बेलेंगे। तेल लगा लेंगे तो ये चिपकेगा नहीं। अब पूड़ी को हम थोड़ी सी मोटी ही रखेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हमने रिफाइंड ऑयल लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें पूड़ी को छोड़ेंगे। पूड़ी हमारी ऊपर आ गई है। अब हम इसको पलटेंगे, हल्का सा दबाएंगे। ये देखिए हमारी पूड़ी फूल गई है। अब हम पूड़ी को दोनों तरफ से सेक लेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। पूड़ी हमारी दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी पूड़ियाँ तलकर तैयार करेंगे और फिर सर्व करेंगे। मक्का आलू की पूड़ी बनके तैयार है। आप इसे ब्रेकफास्ट में, लंच या डिनर में बनाकर सर्व कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगली रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार।